हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 4.3। वी हैव डन एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से आपने इन इंटीजर्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे आप इसको, फर्स्ट पार्ट आपका है -2 प्लस -7। तो -2 आपका +2 आपका 2 प्लस -7 है। 2 कहाँ पे है, मैंने नंबर लाइन बनाई है यहाँ पे 0 1 2, -1 -2 -3 -4। और 2 कहाँ पे है, 2 आपका ये रहा। अब नेगेटिव साइन को ऐड करना है, नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना है, मींस लेफ्ट साइड जाओगे आप। कितनी स्टेप, 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7। तो वैल्यू आती है -5। इसको मैंने सिंपली भी दिखाया करके, सिंपली कैसे करेंगे, 2 प्लस -7, 2 एज इट इज रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस जब करते हैं तो प्लस माइनस होता है माइनस, 7 एज इट इज रहेगा। देखो आपके पास -7 है, +2 है, जब भी दो वैल्यू अलग अलग साइन में आती है हमेशा कैंसिल आउट होती है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 7 बड़ी वैल्यू है, 2 स्मॉल वैल्यू है, 7 में से 2 गए, 5 बचेंगे, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है साइन उसी का आता है, हमेशा साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 7 आपकी यहाँ पे बड़ी वैल्यू है और 7 का साइन क्या है, माइनस, तो -5 आएगा आंसर आपका। आगे भी आपका सी पार्ट करवा रहा हूँ, 9 प्लस -6, तो 9 आपका यहाँ पे है, -6 मींस लेफ्ट साइड आओगे आप, ऐसे कितनी स्टेप, 6 स्टेप आओगे, 1 2 3 4 5 6, तो वैल्यू आएगी 3। ऐसे ही सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 प्लस -6, 9 एज इट इज, प्लस माइनस -6 एज इट इज। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 -6 इक्वल टू 3, आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। डी पार्ट है -2 प्लस -4। -2 कहाँ पे है, ये -2 है। अब -4 का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में आओगे, बैक साइड आओगे आप, 1 2 3 4, 4 स्टेप आओगे, -6 आपका आंसर आएगा। सिंपली आप करोगे तो -2 प्लस -4 एज इट इज आएगा, -2 आपका एज इट इज, प्लस माइनस -4। अब दोनों वैल्यू नेगेटिव है आपकी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, -2 -4। अब जब दोनों वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उनको ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 आता है 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का, माइनस का ही साइन आएगा, -6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब भी दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऐड करेंगे और साइन आएगा नेगेटिव ही आएगा, जो दोनों का साइन है। लास्ट इसका एफ पार्ट करा रहा हूँ, -7 प्लस -4, ये आपका -7 है, -8 -9 -10 -11, थोड़ी कटिंग होगी यहाँ पे। उसके बाद -4 ऐड करने मतलब क्या है कि -4 स्टेप डाउन आओगे, अब नीचे आओगे, 1 2 3 4, -11 आपका आंसर आएगा। सिंपली कैसे करेंगे, -7 प्लस -4 -7 प्लस -4 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, -7 -4 -11 आपका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट इसका आपका कॉपी बुक में से करेंगे हम, ऐड करना है। देखो जब दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव हैं, जब आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो मैंने अभी बताया था आपको कि आपने दोनों वैल्यू नेगेटिव तो ऐड करते हैं, साइन नेगेटिव ही आएगा, माइनस का ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, और 9 आ जाएगा 16, 1 आपका यहाँ पे आएगा, 2 और +1 3, आंसर आएगा 360 आपका आंसर आएगा, नेगेटिव में -360 आएगा। ऐसे दोनों नेगेटिव है यहाँ पे भी, तो साइन नेगेटिव ही लगा लो, 7 3 10, 1 7 प्लस 1 8 और 2 10, 1 यहाँ लगेगा, 6 प्लस 1 7 आपका आंसर आएगा, 700 आएगा आपका आंसर। इसमें आपके पास क्या है, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 5 -5 0 आएगा, 4 -4 0, 9 -6 3 आएगा आपके पास, 1 HD रहेगा। अब साइन किसका आएगा, जो वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू क्या है, 1945 है ना बड़ी वैल्यू 645 से, तो नेगेटिव ही साइन आएगा यहाँ पे। जब अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइन है तो ऐड करना है। यहाँ भी देखो सेम साइन है, यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा आपको, क्या है,
थ्री प्लस नाइन इक्वल टू 12, 2 आएगा यहाँ पे, 1 लगाया अपने ऊपर, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 5 आता है 13, 1 7 प्लस 1 8 और 3 11, 1 आपके यहाँ पे आ गया, 3 प्लस 1 4 और 1 5, 5 1 3 2 और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट आपका है फाइंड द सम ऑफ, इसको कैसे करना है देखो, -68 में ऐड करना है 1068, तो -68 ऐसे कैसे लिखा आपने, ऐड करने के लिए प्लस साइन लिखोगे, 1068 लिखा। अब वही देखो सेम कंडीशन है कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ी वैल्यू क्या है 1068 बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने, ठीक है, 1068 में से -68 करना है, 1000 आंसर आएगा, या आगे आंसर आपका 1090 एंड -50। कैसे ऐड करेंगे आप इसको, 1090 एच रहेगा, प्लस लगाएंगे ऐड करने के लिए, यह है नेगेटिव वैल्यू, तो क्या होगा 1090 एच रहेगा, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आता है। अब 1090 में से आपने 50 को माइनस करना है, ठीक है जी, कितना आएगा 1040 आंसर आएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ दिखा रखा है, 1040 आपका आंसर आएगा। ई पार्ट क्या है, -350 ऐड करना है 50 में, और उसमें और क्या है इसमें 450 आपके पास वैल्यू है, इन तीनों को हमने ऐड करना है, 350 ऐसे कैसे लिखेंगे, 50 प्लस कर दिया, 450, ये वैल्यू सेम रखेंगे। अब 50 प्लस 450 ऐड करेंगे आ जाएगा 500, 500 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपने, सब्ट्रैक्ट करना है 350, आंसर आएगा 150 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा क्योंकि आपकी जो वैल्यू बड़ी है वो पॉजिटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। एफ पार्ट है -73 -640 एंड 1271 को ऐड करना है, ठीक है, तो ये वैल्यू सेम लिखोगे, प्लस का साइन लगाया, ये लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, प्लस माइनस इकट्ठे लिख सकते हैं आप, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, जो नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद प्लस है 1271, -73 एज इट इज, ये वैल्यू प्लस माइनस माइनस के 640 प्लस 1271, इन दोनों वैल्यू को जो नेगेटिव वैल्यू है ये दोनों क्या है एक दूसरे के एक जैसी हैं सेम सेम, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी 713 प्लस ये सेम लिखेंगे ऐसे कैसे। अब आप देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मींस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 558 आंसर आएगा आपका। ये आपकी एक्सरसाइज थी 4.3। नेक्स्ट 4.4 करेंगे। थैंक यू।